हमारे पास अभी फोन आया है कि एक नील गाय है और वो प्रेग्नेंट है और उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। तो उसकी जैसे ही कंप्लेंट आई है तो हम यहाँ से अपनी जो टीम है उसको तुरंत रेस्क्यू टीम को यहाँ से भेज रहे हैं। इसके आगे के दोनों पैर टूटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये प्रेग्नेंट भी है। एमरजेंसी केस है तो इसको फटाफट जाओ। एम्बुलेंसेज हमारी रेस्क्यू के लिए बाहर गई हैं, तो अभी हम प्रेजेंटली एमरजेंसी के लिए जो अपनी एम्बुलेंस प्लस यहाँ से एक जो VLDA है इनको भेज रहे हैं ताकि उसको हम शीघ्रता से हॉस्पिटल में लेकर आ सकें। हमारी एम्बुलेंस टीम निकली तो रास्ते में बड़ी दिक्कत होने लगी थी। पूरे रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। हमारी रेस्क्यू टीम को दूसरे और एक लंबे रास्ते से जाना पड़ा। वह पहुँच करके देखा तो नील गाय बहुत डरी हुई थी। शायद वह 2-3 दिन से भूखी थी और कुत्तों ने उसे ज्यादा जख्मी भी कर रखा था। हमारी टीम उसे GSD एनिमल हॉस्पिटल में लेकर के आई। डॉक्टर्स ने तुरंत नील गाय का इलाज शुरू किया ही था कि नील गाय अपनी जिंदगी की जंग को हार चुकी थी। हमने उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। इसमें किसकी कमी के कारण इस जीव को हमें खोना पड़ा, इसका कारण मुझे नहीं पता, पर लेकिन आज का युवा अपने विकास के साथ साथ जीवों का भी ध्यान दे तो शायद बदलाव आ सकता है और ऐसे कई बेजुबान जीवों की जान बचाई जा सकती है।